वो भाग भाग गया अपने सामान वान उठा के, पैसे भी हमारे ले गया। एक गलती भाई बहुत ज्यादा भारी पड़ देगी आपको, क्या पता बंदा फरार। उस बंदे ने बहुत तगड़ा धोखा किया, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उस बंदे का जो सामान था जिसने हमको धोखा दिया भाई, वो नीचे पड़ा हुआ सामान उसका। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू इस व्लॉग। आपके सब अच्छे हो गए? तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज देने वाला हूँ। न्यूज ये है कि आपने देखा होगा भी, रिसेंटली मैंने एक व्लॉग डाला है अपना रूम टूर के बारे में ना। तो अब ये भी सोचो कि भाई सुबह सोकर ही उठ के भाई व्लॉग बनाना शुरू कर दिया भाई ने, तो भाई इशू हो गया है थोड़ा नहीं वैसे, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया हुआ है। अभी के अभी मेरे को अपना रूम मूव करना पड़ रहा है, मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ, तो बहुत तगड़ा इशू हो गया। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अभी मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बस 1 बजे तक का ही टाइम है। और ये देखो भाई पूरा सामान अचानक से पैक करना पड़ गया। एक बैग मैंने पैक कर दिया ऑलरेडी, ये कलिका कर दिया था रात का, और एक वो पीछे वाला बैग पैक कर दिया। बस अब एक ये पैक करने का रह गया, और बाकी जो है वो मेरे रूममेट्स चले गए हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे रह गया हूँ अकेला। और अब आज 1 बजे तक मैं भी ये घर खाली कर दूंगा, और फिर आपको एक नए घर का रूम टूर एक और बैग मिलेगा। तो फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत जस्ट सफाई पेंडिंग रहेगी वो कर लेता हूँ, और जल्दी से बैग वैग पैक करता हूँ ताकि 1 बजे तक निकल पाऊँ। और अभी तो 8:30 हो रहे हैं मेरे सुबह के, तो चलो कोई ना भाई, मैं नींद खराब होगी लेकिन चलो कोई नहीं, जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जल्दी से बैग वैग पैक करते हैं और निकलते हैं नए घर को। तो जहाँ मैं नए घर में जाने वाला हूँ, मैं वहाँ पर जाके आपको पूरी पूरी स्टोरी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहो भाई वीडियो में, और भाई इन सब चीजों से बच के रहना जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अवेयर रहना उन सब चीज से, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नहीं तो मुझे इतनी ज्यादा जल्दी इस घर को छोड़ने की भाई बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी, और ये सब कुछ इंस्टेंट हुआ ऐसे भाई पता ही नहीं चला। तो मैं जल्दी से पैक करूँ बैग को और यहाँ से निकलता हूँ। तो भाई वो पैकिंग हो चुकी हुई है मेरी, ठीक है? तो मैं साथ साथ सामान लेके जाऊंगा दक्ष भैया घर पे, मेरे काफी अच्छे भैया हैं एक, ठीक है? उनके पास लेके जाऊंगा, तो थोड़ी देर वहाँ पे सामान छोड़ूंगा अपना, और फिर उसके बाद मैं उबर करूंगा, और उबर करके सीधा सामान लेके जाऊंगा अपने नए घर में। तो जहाँ मैं जाने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सब सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, ऐसा सब ये क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। बस एक बार मैं सामान वहाँ पे पहुँचाऊँ पहले, फिर उसके बाद उबर में वहाँ से नए घर में पहुँचाऊँ, और फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या सब हुआ। और जो ये सामान है ये लेकर जाना है, और वो एक साइकिल, और वो दो सूटकेस, और एक बैग दैट्स इट। तो देरी नहीं करते, जल्दी से निकलते हैं, चलो। दक्ष गए भाई स्पेशली भाई सामान उठाने के लिए, थैंक यू सो मच यार भैया। और उस बंदे का जो सामान था जिसने हमको धोखा दिया भाई, वो नीचे पड़ा हुआ सामान उसका, ये मैं कर दूंगा डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगा, डोनेट कर दूंगा इनको सारा का सारा सामान उस बंदे का भाई। उस बंदे ने बहुत तगड़ा धोखा किया, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि भाई जो सस्पेंस है वो थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, जो तगड़ा सस्पेंस जो हमारे साथ क्रिएट हुआ उस बंदे ने किया। फिलहाल भाई कमरे की कंडीशन देखो कितनी साफ सुथरी भाई, ऐसा गर्म को पहले मिला था हमने क्या हालत की थी। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख लो, मेरा रूम टूर कैसा था, ठीक है? पहले कैसा था और अब कैसा है, डिफरेंस खुद ही देख लेना उसमें। तो अब मैं निकलता हूँ जल्दी से यहाँ से, और फिर नए घर में मूव करते हैं, और फिर आपको नया घर दिखाते हैं, चलो। इसमें भाई हमने डोनेशन कर दी 3-4 डब्बे अपने। One eternity later. तो भाइयों फाइनली मैं नए घर में मूव हो चुका हूँ, ठीक है? तो भाइयों ये मेरा फिलहाल कमरा, ठीक है? ये देख लो, ये भाई मेरा पूरा पूरा रूम, ये इस साइड टेबल है और सामने विंडो है, ठीक है? ये आगे भाई मेरा बेड, नीचे काफी स्पेस है तो भाई मैं बैग वैग नीचे रख दूंगा, और यहाँ पे भाई वार्डरोब ये सब है अपना, ठीक है? सारा जुगाड़ वहाँ पे सामान रखने की जगह। तो एक्चुअल में ये है लाइक सेकंड फ्लोर है घर का, ठीक है? तो चलो एक मिरर भी मेरे को दिया हुआ है, बहुत सही, ठीक है? ये बेड है, मस्त है भाई एकदम, ठीक है? तो भाई अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एक्चुअल में हुई क्या थी। तो चलो भाई अब मैं आपको बात एग्जैक्ट बताता हूँ। अरे यार, तो भाई बात एग्जैक्टली ये हुई कि तो हम 4 लोग रहते थे एक स्टूडियो फ्लैट में, ठीक है? तो होता ये है कि 9th ऑफ एवरी मंथ वी हैव टू पे आर रेंट। तो होता ये है कि हमारा एक लीड बंदा था जिसको हम हमेशा पैसे देते थे कि भाई ये ले पैसे, तो तू वो जो रेंट है वो ओनर को दे दे। तो पिछले 3-4-5 महीनों से वही कर रहा था, तो हम उसके अकाउंट में पैसे डालते थे तो वही पैसे उठा के वो ओनर को दे देता था, ठीक है? तो होता ये है कि मैं और लाइक हम में से 2 लोग हम रेंट पे करते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है? और जो तीसरा बंदा है उसने उसको पहले के पैसे दिए हुए थे उधार पे, तो वो बोलता है कि तुम्हें को उधार मत दे, काम कर तुम्हें रेंट पे कर दे, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रेंट देने की बारी आती है ना, 9th of June को हमको रेंट पे करना था, तो वो बंदा क्या करता है, खाली 350 pounds ही पे करता है, तो बाकी 500 pounds वो नहीं पे करता, ठीक है? तो वो ओनर से बात कर लेता है कि भाई मैं आपको 500 pounds बाद में पे कर दूंगा, लाइक नेक्स्ट फ्राइडे को पे कर दूंगा। तो ओनर बोलता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट फ्राइडे को पे कर दे। तो उसके बाद 9 से अगला फ्राइडे भी आ गया, ठीक है? उसने तब भी पे नहीं किया,
तो ओनर ने क्या किया, ओनर डायरेक्ट रूम में आ गया। हमको नहीं पता, हम तीन लड़कों को पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन हो चुकी हुई है। ओनर ने हमको बोला सीधा कमरे में आके कि भाई तुमने रेंट क्यों नहीं पे किया। तो वी वर लाइक कि यार हमने तो रेंट तुमको पे कर दिया हुआ है, हमने अभी लाइक हमने अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे डाले तो उसने अभी तक आपको दिया क्यों नहीं। वी वर इन शॉक कि भाई हम तीन लोगों ने एक्चुअल में रेंट पे कर दिया और ओनर आके हमको कह रहे कि भाई तुमने रेंट ही नहीं पे किया हुआ। तो लिटरली हम शॉक में चले गए उस टाइम के लिए। तो फिर हमने अपने फोर्थ जो मेन बंदा था जिसके हम अकाउंट में पैसे डालते थे, उस बंदे से पूछा कि भाई क्या बात है कि तूने रेंट दिया क्यों नहीं। तो वो आगे से बोलता कि भाई वो मेरे को जरूरत पड़ गई थी, मैंने घर पैसे भेज दिए थे, अपने अपने घर पैसे भेज दिए। ठीक है, तो वी वर लाइक यार तू हमें रेंट देना है अपना, हम चाहे घर से पैसे मंगा के दे रहे हैं, मेहनत करके पैसे दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत से कैसे भी तेरे को पैसे दे रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसा, हमारा एसेट है, जो भी है सब हमारा है, जो भी हमने तेरे को पैसे दिए। ठीक है, तो फिर तूने घर क्यों पैसे भेजे? अगर तेरे को पैसे की इतनी ही जरूरत थी, तेरे को घर भेजना ही थे, तो हमको बता देता, 50 या 100 पाउंड तेरे को एक्स्ट्रा भेज देते ताकि तू अपने घर भेज देता। तो सेंस है ना इस बात की। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमको बोलता है कि भाई मेरे को जरूरत थी तो मैंने भेज दिया, तो मेरे को मैंने ना ज़रूरी नहीं समझा तुमको बताना। तो वी वर लाइक यार क्यों नहीं ज़रूरी समझा भाई, हम तेरे रूममेट हैं, हम तेरे साथ रह रहे हैं पिछले 3-4-5 महीने से, और लाइक तो हमारा ही पैसा, हमको कह रहा है कि तुमको बताना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, है ना। तो यार हम भी थोड़े शॉक हुए कि भाई यार इसको क्या हो गया अचानक से। तो वो ओनर को बोलते हैं कि सर मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे पे कर देता हूँ। तो विच वॉज लाइक 27th और मे बी 28th ऑफ दिस मंथ। एक फ्राइडे तो पहले चला गया था, दो और फ्राइडे चले गए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट फ्राइडे आया ना, तो तब तक उसने लाइक 500 पाउंड तो ओनर को पे करना ही थे ना। लाइक उससे भी पहले मेरे दो रूममेट्स ने उनको पैसे वैसे दिए थे, तो भाई उनके पैसे भी फंस गए। जो रूम का जो रेंट था उसने वो भी नहीं दिया। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट मंथ के लास्ट वीक की बात है ये, जून मंथ की। तो वो क्या करता है, वो आता है रूम में वेंसडे की शाम को या रात को, आई डोंट नो। तो हम तीन जो बंदे थे वो घर पे नहीं थे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो जो चौथा बंदा था वो आता है घर में, ठीक है, अपना सामान वान पैक करता है ऐसे, और कुछ सामान अपना वहीं पर रूम में रहने देता है। ठीक है, क्योंकि उसको जल्दी से भागना था वहाँ से, कैसे भी करके उसको बस भागना था उस घर से। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में भाई हमको अकेला छोड़ के, हमको ऐसे सिचुएशन में अकेला छोड़ के, हमारे पैसे वैसे लेके, मैंने तो चलो रेंट देना ही था, मैंने उसको एक्स्ट्रा मनी नहीं दी थी, बट जो मेरे साथ के जो रूममेट्स थे उन्होंने पैसे दिए थे। तो वो बंदा ही भाग गया यार, उस बंदे ने कि वो सामान वान पैक किया, बंदा फरार। हम पूरी रात उसको फ़ोन कर रहे कि भाई तू कहाँ पर आई है, वो पूछने के लिए, बंदा फ़ोन उठाए ही ना, हमको ब्लॉक कर दिया उसने हर जगह से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ओनर को कॉल किया जैसे सुबह हुई। तो फिर हमने ओनर को बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया, हमारा जो फोर्थ रूममेट है उसने ऐसा ऐसा कर दिया है कि भाई वो भाग भाग गया है, अपना सामान वान उठा के पैसे भी हमारे ले गया। तो उसने करीब करीब 1500 पाउंड्स के अराउंड उसने लोगों के भी पैसे देने थे। ठीक है, जिसमें इंक्लूड मैं करूँगा हमारा रेंट, 500 पाउंड रेंट के, और 600 के अराउंड 600-700 पाउंड उसने मेरे रूममेट से लिए थे, और 300 पाउंड उसने एक और लड़के के देने थे, बट उसने उसके अभी तक पैसे ही नहीं दिए थे। लाइक उसको 4 वीक्स मतलब 1 महीना हो गया, उसके 300 पाउंड उसने उसके भी नहीं दिए। तो राउंड अबाउट अगर मैं कहूँ तो 1500 पाउंड बंदा भाई खा के भाग गया वहाँ से। तो भाइयों मेरा मेन मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का, कि भाई आपको अवेयरनेस मिले कि अगर आप अपना रूम शेयर करते हो तो भाई सोच समझ के करो, और बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना रूममेट चूज़ करो, क्योंकि भाई एक गलती भाई बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी आपको। क्या पता मेरा तो उसने सामान चोरी नहीं किया, क्योंकि भाई मैंने पहले से ही सामान अपने पैक वैक करके रख दिया हुआ था। मैं बहुत जल्दी वो प्रॉपर्टी खुद ही छोड़ने वाला था, क्योंकि मेरे को कहीं और मूव होना था, मेरे को वहाँ पे अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी, तो मेरे को वो घर छोड़ना ही था। उस दौरान मेरे दोस्त के कुछ कपड़े भाई वो बंदा चोरी करके ले गया, मैं तो चोरी ही बोलूँगा इस चीज़ को। जो हमारे ओनर हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, लिटरली उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमको कहा कि भाई तुम रुक जाओ थोड़ी टाइम, कोई बात नहीं, तुम घर वर ढूंढ लो, काम वाम देख लो, फिर उसके बाद तुम आराम से चले जाना घर छोड़ के। बट ऑब्वियसली जाना तो पड़ने का, नहीं तो 800 पाउंड भाई इतना इजीली नहीं दे सकता कोई अकेला बंदा। ठीक है, बाकी मेरे रूममेट आगे पीछे मूव हो गए, एक बर्मिंघम चला गया, कोई नॉटिंघम चला गया, ऐसा मतलब मूव हो गए, तो मैं अकेला रह गया था लास्ट में। तो स्टिल उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा डिपॉजिट जो थोड़ा बहुत जो रहता है वो मैं दे दूंगा, चाहे उनको लाइक ऑब्वियसली नुकसान तो होना ही था, उनको 500 पाउंड उनको हमने रेंट ही नहीं पे किया, तो फिर अब वो डिपॉजिट में से तो लेंगे ही ना, तो जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट है वो हमको दे देंगे। बट हाँ, अंकल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, उन्होंने लास्ट तक हमारा साथ दिया अंकल ने, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा भाई यही मैसेज है सबके लिए कि भाई सोच समझ के रूम शेयर करना। अगर तुम 5000 ज़्यादा भी दे रहे हो ना किसी कमरे में अकेले रहने के, तो दे दो,
बेझिझक दे दो। आप आंटी ने अनलेस आप कोई ऐसा बंदा जानते हो जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सको, क्योंकि भाई ये अनजान दुनिया है, अनजान लोग हैं, अनजान शहर है, सब कुछ नया है ना, और हर चीज़ नहीं है यहाँ पे आपके लिए। तो भाई धोखा होने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, मैंने अपना आईफोन फेसबुक मार्केटप्लेस के थ्रू मैं अपना फ़ोन गवा चुका हूँ पहले भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देख लो जाके। तो उसी से मैंने ये सीख ली थी कि भाई किसी को पैसे नहीं देने। पैसे के रिगार्डिंग तो भाई फाइनेंशियली तो भाई खुद ही जो स्टूडेंट होता है वो खुद ही सफ़र कर रहा होता है, वो कैसे किसी की मदद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, फ्रेंड्स मदद कर देते हैं भाई, 50-60 पाउंड दे दिए, 100 पाउंड तक दे दिए भाई, उससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट नहीं मदद कर सकता किसी की। जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं एक दूसरे की सिचुएशन की, हाँ भाई पैसे वैसे की जरूरत पड़ जाती है बच्चे को, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा यही मैसेज है कि भाइयों ध्यान रखो, सेफ रहो भाई, कुछ पता नहीं होता कि कौन बंदा कैसा मिले आपको, है ना। तो लड़कियों के लिए भी यही मैसेज है और लड़कों के लिए भी यही मैसेज है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो देख लो, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो भाई मैं नए घर में मूव हो चुका हूँ तो मैं बहुत जल्दी आपको इसका रूम टूर भी दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं आपको ये पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, इसका क्या रेंट है, लाइक ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे पहले थे वो स्टूडियो फ्लैट था, ये डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसका भी आपको अच्छे से डिटेल में आपको दिखाऊंगा ये कैसा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो फिक्र मत करो, बने रहो मेरे चैनल में। और भाइयों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाइयों मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने वीडियोस पे, इतनी ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई एडिटिंग में, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद थंबनेल एडिट करना, वीडियोस एडिट करना, बहुत बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो यार एक लाइक भी करके जाओ और एक कमेंट भी करके जाओ ताकि मेरे को पता चले कि लाइक जो ये जो अवेयरनेस है वो कहाँ तक पहुँच रही है और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे फेस करोगे, और भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा पहले हो चुका है या आपको पहले भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आप गुजर चुके हो जो कि थोड़ा सिमिलर है, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर करो, हम उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, भाई आपने इन्फॉर्मेशन तो दी बट आपने लाइक कोई स्क्रीनशॉट या कुछ ऐसा शेयर नहीं किया, तो भाई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, जो भी यहाँ की रियलिटी है मैं वो आपको दिखाता रहूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, और कमेंट भी ज़रूर करना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और मैं करता हूँ वीडियो यहीं पे खत्म, सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।